Vengeance ends now. My brothers, we were forged in victory. A victory that ended the Great War and brought forth the reign of Mount Olympus. Born from the depths of the underworld, rooted in the River of Souls, our mountain emerged out of the chaos. As it grew, so too did the might of the Olympians. He created a world of peace, a world of prosperity, a world that lives in the shadow and safety of my mountain. Mountain that has come to be the absolute measure of strength and power. Now, on this day, that power is to be tested. The mortal Kratos seeks to destroy all that I have wrought. Aside the petty grievances that have splintered us for so long, we will unite. We will stand together. And I will wipe out this plague. Olympus will prevail. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं सम्राट गेम पीके। गॉड ऑफ वॉर की नई गेम आने से लोग पुरानी गेम की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। गॉड ऑफ वॉर जिसने 4 डायरेक्ट खेलियो वो सोचता है गॉड ऑफ वॉर की फर्स्ट भी खेली जाए। तो फ्रेंड्स, स्पॉइलर अलर्ट, क्या आप 18 प्लस है और 18 प्लस से रिलेटेड ये गेम वीडियो नहीं है, पर लेकिन फिर भी आपको 18 प्लस हो जब आप ये गेम खेले। तो फ्रेंड्स, आज होगी बात गॉड ऑफ वॉर में जो प्लेस्टेशन 2 में है। और आपने अगर PSP में खेला तो वो गॉड ऑफ वॉर असली तो नहीं होती, मतलब पूरी तो नहीं होती। तो कंप्लीट गॉड ऑफ वॉर सीरीज के ऊपर पूरी बात नहीं जो प्लेस्टेशन 2 में है। गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस और स्टोरी बोलती है इसमें क्रेटोस के ऊपर, एक स्टोरी चलती है क्रेटोस के ऊपर। एक ऐसा बैडेस वॉरियर है जो जीतता है और जीतना ही चाहता है किसी भी कीमत पे, और यही बात इसको आगे जाके पहाड़ी पड़ती है। तो यही है स्टोरी, और एक ग्रीक गॉड्स के ऊपर भी है। तो आपको ग्रीक गॉड्स की हिस्ट्री पता है? वैसे मुझे तो पता है, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलो तो हम बात करते हैं गॉड ऑफ वॉर। इसके लिए आपको प्लेस्टेशन 2 का इमुलेटर चाहिए या फिर प्लेस्टेशन 2 होना चाहिए। तो प्लेस्टेशन 2 और उसके इमुलेटर से रिलेटेड वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ अलग से, आप चाहे तो देख सकते हैं। पूरी वीडियो में उसका आई आइकन में उसका लिंक स्लैश होगा और भी चीज़ होगा, तो ज़रूर देखें। बात करते हैं सीधा टॉपिक पे।
तो फ्रेंड्स, गॉड ऑफ वॉर फर्स्ट गेम जो 6.15 GB, और ये बहुत बड़ा गेम सेटअप है, और सबसे बड़ी बात में ये 2D गेम है, और ये बहुत देखा जाए तो बहुत बड़ी गेम है हैं सेटअप के हिसाब से। और देखा जाए 18+ ये इसलिए भी है, लेकिन उतना डाटा आपके पास है 18+ इससे ऊपर होगा अगर आप कोई जॉब करते हैं, आपके पास नेट हो, डाटा हो या फिर वाईफाई हो, जब भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गॉड ऑफ वॉर 1 6.15 GB की लगभग। तो पढ़ते हैं आगे। तो गॉड ऑफ वॉर बहुत बड़ी गेम है और एपिक में ग्रीक गॉड्स के ऊपर है, और गॉड ऑफ वॉर 2 भी ग्रीक गॉड्स के ऊपर चलता है। पर इसमें स्टोरी के बारे में आपको कुछ नहीं बताने वाला मैं आपको। तो गॉड ऑफ वॉर 2 जिसका भी सेटअप भी 6.15 GB है, और इस गेम की खास बात है कि एक्शन और एक्शन एडवेंचर और काफ़ी कुछ है इसमें, और ये 18+ इसलिए भी है क्योंकि इसमें एक्शन की वजह से भी इसका एक्शन काफ़ी बैड एज है, और ये करेक्टर भी थोड़ा बैड एज है, पर आगे जाके और बैड एज हो जाता है। चलो, ब्लिंक 22 में सेकंड पार्ट भी उतना ही बड़ा है जितना पहला, और ये ब्लिंक 22 में बहुत बड़ी गेम है। ब्लिंक 22 में देखा जाए तो सबसे बड़ी गेमों में तो यही है, और प्लेइंग स्टेशन 2 का मिलर आप बहुत इजीली कर सकते हैं, और इसका लेटेस्ट वर्जन 1.7 वर्जन है, उसमें चला के देखो तो क्या अच्छे ग्राफिक्स देख के तो खुश हो जाओगे। अब बात करते हैं प्लेइंग स्टेशन 3 में भी गॉड ऑफ वॉर सीरीज पूरी चली है, पर प्लेइंग स्टेशन 3 का भी इमलर है बहुत अच्छा इमलर है, पर ये इमलर के हैं कि आप गॉड ऑफ वॉर की हर गेम खेल सकते हो उसके ऊपर, पर आपके कंप्यूटर में अगर इमुलेटर चलता है तो यकीन चलाने के लिए आपके कंप्यूटर होना चाहिए, अच्छे ग्राफिक्स होने चाहिए, और मेरे कंप्यूटर लो पीसी है इसलिए मेरे पास प्लेइंग स्टेशन 2 का ही इमुलेटर है, इसलिए मैंने प्लेइंग स्टेशन 3 इमुलेटर की वीडियो नहीं बनाई अब तक, समझ सकते हो। अगर कभी फ्यूचर में हुआ तो शायद ज़रूर बनाएंगे वीडियो, अगर हो सका तो ज़रूर बनाएंगे। बाकी आप गेम डाउनलोड कर सकते हो, उसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, तो आप देख सर्च कर सकते हो। तो गॉड ऑफ वॉर सीरीज के बारे में बात करते हैं, तो प्लेइंग स्टेशन 3 में भी गॉड ऑफ वॉर सीरीज है जो उससे और ज़्यादा अच्छी है। गॉड ऑफ वॉर 2 से और ग्राफिक्स लाइक इट, और करेक्टर डेवलपमेंट भी एक्टर पहले से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा दिखता है, अच्छे ग्राफिक्स, लेकिन 2D से गेम 3D में हो जाती है। गॉड ऑफ वॉर 1 थी 2D में और सेकंड थी 3D में लगभग, और आगे जाके इफेक्ट और ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो उसके अलावा प्लेइंग स्टेशन 3 इमुलेटर में भी गॉड ऑफ वॉर 1 और 2 मिल जाएगी, हालांकि दोनों एक ही गेम मतलब एक ही में एक साथ मिल जाएगी। अब गॉड ऑफ वॉर 1 एंड 2 कंसोल है एक तरह से कह सकते हो, और ये इसका सेटअप होगा लगभग 14 GB, और ये इसका सेटअप भी कुछ बड़ा ही है थोड़ा, तो कुछ खास बात नहीं करते हम, आगे बढ़ते हैं। का 14 GB यानी कि जो प्लेइंग स्टेशन 2 का सेटअप है तो उसी हिसाब से बस थोड़ा सा ज़्यादा है, बट फिर भी ये कहीं गॉड ऑफ वॉर गेम बड़ी होती है, सेटअप बड़ा होता है तो उसके लिए भी नेट ही बहुत ज़्यादा अच्छी होता है, तो नेट का थोड़ा देखना पड़ेगा आपको अगर नेट हो बस इतना। उसके अलावा बात करते हैं हम गॉड ऑफ वॉर कंसोल के बारे में, जो कंसोल है सेकेंड होस्ट ऑफ स्पार्टा ये अलग है, पर प्लेस्टेशन 3 में अवेलेबल, और इसके मिलर में भी जा सकते हैं वेरी इजीली, और 3D में है ये देख सकते हो 3D और कंपेयर कर सकते हो कि गॉड ऑफ वॉर प्लेइंग स्टेशन के ऊपर अलग से वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगी आपको, और इसके अलावा आप देख सकते हो कि प्लेइंग स्टेशन 2 और प्लेइंग स्टेशन 3 में कितना अंतर है, कैमरे में भी इतना ही अंतर होता है। तो जैसे कि देख सकते हो राइट साइड में प्लेइंग स्टेशन 2 यानी आप इस कैमरे से लाइन प्लेइंग स्टेशन 2 कैमरे से तो कैसे देख सकते हो किस तरह का ग्राफिक्स है वो, और कैसा दिखेगा आपका करेक्टर, और प्लेइंग स्टेशन 3 के मिलर में पहले से और अच्छा अट्रैक्टिव और थोड़ा ज़्यादा दिखती है, और खासकर इसके ग्राफिक्स और शेडोज को
बाकी तो रेड लाइन टैटू देख सकते हो, इसमें फ़र्क आपको वैसे ही दिख जाएगा। फिर गेम लेने में फ़ायदा देखा जाए तो प्ले स्टेशन 2 में है, सर थोड़ा सस्ता पड़ जाता है अगर अलग अलग से लेने पे, और प्ले स्टेशन 3 में थोड़ा ज़्यादा, पर वो आपके ऊपर है क्योंकि इसमें आप थोड़ा ग्राफिक का भी चक्कर है तो आप सोच सकते हो। तो बात करते गॉड ऑफ वॉर 3 जो प्ले स्टेशन 3 गेम लड़ में आप चला सकते हो वेरी इजीली, ये और ज़्यादा एपिक है क्योंकि इसके ग्राफिक्स गॉड ऑफ वॉर 2 से और ऊपर है, और इसका सेटअप है लगभग 34 GB का, जानेगी काफ़ी ज़्यादा 34 GB समझ सकते हो क्या। अगर आपको प्लेइंग स्टेशन 3 इमुलर के लिए गॉड ऑफ वॉर सारी लेना चाहोगे तो कितना बड़ा, कितना ज़्यादा पड़ जाएगा सोच सकते हो, पर ये काफ़ी बढ़िया है। तो गॉड ऑफ वॉर सीरीज सागा ख़त्म इसी पे होता है, पर गॉड ऑफ वॉर 4 के बारे में देखा जाए, गॉड ऑफ वॉर तो गॉड ऑफ वॉर 3 थी असल में, फिर देखा जाए ये है गॉड ऑफ वॉर जो प्ले स्टेशन 4, और इसके एमलर के लिए मेरे पास अभी कोई इस नॉलेज नहीं है कि प्ले स्टेशन 4 का एमलर है या नहीं सही से, लेकिन ये बहुत ही ना के बराबर चलने वाला है जो पीसी में नहीं चल सकता ये प्ले स्टेशन 4। तो प्ले स्टेशन 4 के लिए गॉड ऑफ वॉर 4 जो कि पीसी में भी अवेलेबल है, और इसका भी सेटअप बहुत बड़ा है शायद 14 या 15 GB का, और ये काफ़ी और ज़्यादा एक्टिविटी पर में देख सकते हो क्रेटोस कैसा हो गया है। तो दोस्तों वीडियो अब इतने पे ख़त्म, गॉड ऑफ वॉर सीरीज सागा, और इसे खेलने के लिए आपको 18+ होना ज़रूरी है, लेकिन भाई रिकमेंड करते हैं। पर इसके अलावा क्रेटोस इन गेमों के अलावा भी और भी गेमों पे है ही जिसमें आप खेल सकते हो, जैसे कि मॉडल कॉम्बैक 9, मॉडल कॉम्बैक 9 कॉम्प्लेक्स एडिशन, और इसके अलावा यह लेवल है प्ले स्टेशन ऑल स्टार्स जो प्ले स्टेशन 3 में ही है और पीसी गेम्स में भी अवेलेबल है, तो आप उसमें खेल सकते हो। अगर आपने मॉडल कॉम्बैक 9 खेल सकते हो, अगर मॉडल कॉम्बैक खेलते हो तो मॉडल कॉम्बैक 9 में है ये क्रेटोस अवेलेबल है, गॉड ऑफ वॉर 3 का क्रेटोस होगा, तो उसमें देख सकते हो किसके कैसे ग्राफिक्स हैं। और दोस्तों इससे रिलेटेड गेम प्ले वीडियो मैंने डाली है गॉड ऑफ वॉर 1 और 2 की, ज़्यादा बड़ी नहीं एक्शन वीडियो है तो आप देख सकते हैं, उसका भी आई आइकन से स्लैश हो रहा होगा लिंक। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, मैं आपसे यही चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आई आइकन को क्लिक करें ताकि आपके पास मेरी नई और पुरानी सभी वीडियो पहुँच सकें, और प्लेलिस्ट के ज़रिए भी आप देख सकते हैं। और जहाँ तक कि प्ले स्टेशन 2 इमुलर इसके भी लिंक मैं दे दूँगा इसी आई आइकन में, तो आप देख सकते हैं उसकी वीडियो। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जाने से पहले आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप ग्रीक गॉड्स के बारे में जानते हैं और वाइकिंग गॉड्स के बारे में, वाइकिंग गॉड्स के बारे में तो जानते ही होंगे कि मार्वल ने फेमस कर रखा है थोर को, तो इसमें क्रेटोस ग्रीक गॉड्स और वाइकिंग गॉड्स की तरफ पड़ गया है, इसके अलावा और भी आगे जा सकता है, पर आपको क्या क्रेटोस ग्रीक मैथोलॉजी में आपको क्रेटोस नाम के करेक्टर के बारे में आप जानते हैं इसकी कुछ हिस्ट्री, मैं गेम की बात नहीं कर रहा, मैं क्रेटोस नाम के बारे में बात कर रहा हूँ जो ग्रीक गॉड में भी अवेलेबल है, अगर आप जानते हैं तो यस करके मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और आज की वीडियो अब ख़त्म करने का टाइम आ गया दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू, फिर मिलेंगे।